अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टोरी है माय सन द फनेटिक। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये हनीफ कुरैशी ने लिखी है। बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है। जैसे कि टाइटल बता रहा है, फनेटिक का वर्ड यूज़ किया गया है। फनेटिक का मतलब ऐसा होता है इंसान जो कि इंतहा पसंद हो। ठीक है, तो माय सन द फनेटिक टाइटल इंडिकेट कर रहा है कि एक बेटा जो कि इंतहा पसंद हो चुका हुआ है। देखते हैं कि वाकई बेटा इंतहा पसंद हुआ है कि नहीं। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइटर को, हनीफ कुरैशी, जो कि दिसंबर को 5 डेट पे 1945 को पैदा हुए थे, सॉरी 1954 को पैदा हुए थे। ये एक इंग्लिश प्ले राइट भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। जो थीम्स हैं इनकी राइटिंग के, जो मोस्टली वो टच करते हैं रेसिज्म के टॉपिक को, नेशनलिज्म के टॉपिक को, इमिग्रेशन के टॉपिक को, सेक्सुअलिटी के टॉपिक को। ठीक है, अब 2008 में क्या हुआ था, 2008 की बात है, द टाइम्स। ठीक है, द टाइम्स ने जो कुरैशी है उनका नाम द टॉप 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स है ना 1945 तक, उनके अंदर इनका नेम ऐड कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये इतने रिमार्केबल रहे हैं अपनी राइटिंग की बेस पे। ये लंदन में पैदा हुए थे टू अ पाकिस्तानी फादर, कि इनके फादर जो थे उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी थी और इनकी मदर जो थी वो इंग्लिश मदर थी। इनके फादर का नाम रफ़ी उशान था, जो कि एक वेल्दी मद्रास फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो इनके फैमिली के ज़्यादातर मेंबर थे ना, वो पाकिस्तान मूव कर गए थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। और इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर हीज पेरेंट्स मैरिड द फैमिली सेटल इन ब्रॉमले वेयर कुरैशी वाज बोर्न। ठीक हो गया, अब क्या होता है, इन्होंने अपनी फर्दर एजुकेशन ब्रॉमले से ही ली और इसके बाद इन्होंने अपने कुछ वर्क्स लिखे। इनके वर्क्स जो थे मोस्टली फेमस वो ये हैं, जिनके मैंने यहाँ पर नाम मैंशन किए हुए हैं, द बुद्धा ऑफ सबर्बिया, जो कि 1919 में था। उसके बाद द ब्लैक एल्बम, नेक्स्ट है इंटीमेसी, उससे नेक्स्ट है समथिंग टू टेल यू, उससे नेक्स्ट माई द लास्ट वर्ड, और जो लास्ट वन है माई सन द फनेटिक। यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद और भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एचसेट्रा का वर्ड डाल दिया है। अभी जो हमने स्टोरी पढ़नी है वो स्टोरी है माई सन द फनेटिक। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें, जो प्लॉट है वो एक परवेज नाम का बंदा है। ठीक है, वो पाकिस्तानी बोर्न टैक्सी ड्राइवर है और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, एक सेकुलर मुस्लिम है। ठीक है, काइंड ऑफ लिबरल। और इसकी जो लाइफ है ना, उसके अंदर एक अनएक्सपेक्टेड डार्क टर्न आता है कि जब इसका बेटा जो है अली, उसका नाम है, वो कन्वर्ट हो जाता है फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की तरफ। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट व्यूज़ के मुताबिक कहा गया है। और वो फंडामेंटलिस्ट है कि नहीं है वो हम देखेंगे स्टोरी के एंड पे। अब क्या होता है कि ना, जब हम बात करें स्टोरी के करेक्टर्स की, तो वो तीन करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है परवेज़, दूसरा है अली, तीसरा है बटीना का। ये तीन करेक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्टोरी के अंदर। पहले हम डिस्कस करते हैं परवेज़ को। परवेज़ जो है बेसिकली फादर है। मेन करेक्टर कौन है, परवेज़ और अली, ये दो मेन करेक्टर हैं। परवेज़ जो है मिडिल एज मैन है, जो कि माइग्रेट कर चुका हुआ है इंग्लैंड को फ्रॉम लाहौर। ये एक टैक्सी ड्राइवर है और यूजुअली जो है ना, ये रोड्स पे काम करता है और अपना पैसा कमाता है। परवेज़ जो है ना, पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ पे, और इसकी लाइफ जो है ना ट्रिगर्ड हो गई है इस फैक्ट से कि इसका बेटा जो है वो बदल चुका है। क्योंकि इसके बेटे ने क्या किया, इसके बेटे ने जितनी ओल्ड थिंग्स थी, जैसा कि सीडीज थी और उसके बाद रेडियो प्लेयर, टेप रिकॉर्डर वगैरह, सबको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था परवेज़ के बेटे ने, परवेज़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी। अब क्या होता है, परवेज़ को बड़ी टेंशन होती है कि शायद इसके बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका बेटे का दिमाग ख़राब हो रहा है। वो ना अपने दोस्तों से इसके बारे में कंसल्ट करता है, उसके दोस्त मशवरा देते हैं कि क्या पता तुम्हारा बेटा ड्रग एडिक्ट हो चुका हो, नशा करने लग पड़ा हुआ है। लेकिन जो बेटे की आइज़ होती है ना, वो डिफरेंट स्टोरी ही बता रही होती है, क्योंकि उसकी आंखों से नहीं लगता कि उसको नशे की लत लगी है। फिर वो ना अपना यही मशवरा परवेज़, एक प्रोस्टिट्यूट है बटीना, तो वाइफ है जो कि परवेज़ की दोस्त है, उससे करता है। ठीक है, तो उससे मशवरा करता है कि मेरे बेटे की ऐसी ऐसी सूरत हाल है, मैं क्या करूँ। बटीना कहती है कि तुम जो है ना अली से डायरेक्ट बात करो इसके बारे में, क्योंकि अली जो है एक ऑर्डिनरी फैलो नहीं है।
परवेज़ ना अपने बेटे अली से बात करता है और उसको लगता है कि अली की जो स्पीच है ना उसके अंदर कुछ फैनेटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फैनेटिक एलिमेंट्स इसकी स्पीच के अंदर उसको रिफ्लेक्ट होते हैं। अली अपने फादर को बताता है कि ये जो बुरी चीज़ें होती हैं ना जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, उनके रूल्स के ख़िलाफ़ हैं, मैं इसीलिए इन सबको छोड़ रहा हूँ। कहता है मैंने अकाउंटेंसी छोड़ दी है क्योंकि ये डिमांड्स करती है वाइन की, वुमेन की और अदर इवल थिंग की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया आप परवेज़ के बारे में। अब अली को डिस्कस करते तो अली सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, ठीक है, ये अपनी स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद क्या है, इसने हर चीज़ के अंदर ना अच्छी डेवलपमेंट ली है। अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंट की तो अकॉर्डिंग टू राइटर इसके अंदर फनेटिक आइडियाज़ डेवलप हो चुके हुए हैं। फनेटिक आइडियाज़, ठीक है, इंतहा पसंद वाले। इंतहा पसंद वाले आइडियाज़ कौन से होते हैं लिबरल्स को? वो आइडियाज़ जो कि पीस वाले हों, ठीक है, नॉर्मल रहने वाले हों, हार्मनी वाले हों, वो फनेटिक आइडियाज़ लगते हैं। जैसा कि वो कहता है कि इसने गिटार बजाना छोड़ दिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना जो फादर का प्रीवियस वे था, एक लिबरल वे था, उसको रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाद जो है इसके अंदर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी ये उसको भी इतना अडोर नहीं कर रहा, इतना एडमायर नहीं कर रहा। जितने भी फैशनेबल क्लोथ्स थे इसने वो भी छोड़ दिए हैं, और साथ ही साथ इसने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी हैं, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, और गरीबों के पास जाता है और उनकी मदद करता है गरीबों की। उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई हुई है। तो परवेज जो है इसकी ज़िंदगी के इस एटीट्यूड से बड़ा हैरान होता है कि अली ने ये क्या कर लिया खुद के साथ। अली तो बड़ा मोड स्कोर था, बड़ा फैशनेबल था, बड़े लिबरल व्यूज़ रखता था, ये गिटार बजाता था, सीडीज़ बजाता था, इसने क्या कर लिया, खुद को बदल दिया और एक दाढ़ी भी रख ली है, गरीबों के पास जाता है, उनकी मदद भी करता है और एक सिंपल लाइफस्टाइल को पसंद कर रहा है, फैशनेबल नहीं रहा। तो ये चीज़ें जो है ना परवेज को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। इवन के एक दिन जो है ना परवेज़ अली को बहुत मारता है, गुस्से में आके ना बहुत मारता है। अली उसको कुछ भी नहीं कहता और वो पूछता है कि हु इज़ द फनेटिक नाउ, कि मुझे आप बताएं, आप बताएं आपके इंतहा पसंद कौन है, मैं हूँ या आप हैं, है ना। इंटरेस्टिंग समरी को डिस्कस करते हैं आप। यहाँ पे करैक्टर क्लियर हो गए होंगे आपको कि तीन करैक्टर हैं परवेज़, अली और बेटीना का। अब हम आते हैं समरी की तरफ। अब होती है समरी स्टार्ट। अब समरी में क्या बताया गया है कि जो स्टोरी है माय सन द फनेटिक, ये ना जो परवेज़ है ना उसके प्रॉब्लम्स को डील कर रही है, जो कि माइग्रेट कर चुका है ब्रिटेन को, पाकिस्तान से आया है, और इसका बेटा अली इसके साथ है। परवेज़ जो है ना बड़ा परेशान होता है अपने बेटे के बारे में, क्योंकि अली का जो बिहेवियर है ना वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा होता है। और फिर जो शुरू शुरू में होता है ना परवेज़ थोड़ा थोड़ा खौफ खाता है कि ये अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करे अपने बेटे के बारे में कि ना करे, वो सोचता है और वो चुप हो जाता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। फिर फाइनली बड़ा वो हौसला करके ना अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि जो मेरा बेटा है ना वो चेंज हो गया काफ़ी, पता नहीं इसको क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ना मतलब टोटली डिफरेंट हो चुका हुआ है ना, वो लिबरल व्यूज़ रखने वाला हुआ है, रिलीजियस एटीट्यूड हो गया हुआ है उसका, ठीक है, वो नमाज़ें पढ़ता है, वो कुरान पढ़ता है, अब पहले जैसा नहीं रहा, वो ना सीडी सुनता है ना गिटार बजाता है वगैरह वगैरह ना। तो इसके दोस्तों को लगता है कि ना कोई मसला है इसके साथ, जो इसका बेटा है ना उसके साथ कोई मसला है, क्या पता इसका बेटा जो है ड्रग लेने लग पड़ा हुआ है। वो कहते हैं इसके दोस्त ना उसको परवेज़ को, क्या पता तुम्हारा बेटा ड्रग लेने लग पड़ा है, तुम चेक तो करो, नज़र तो रखो उसके ऊपर कि तुम्हारी सीडी भी गायब है, तुम्हारा डीवीडी भी गायब है, तुम्हारा टेप रिकॉर्डर भी गायब है, क्या पता वो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को सेल करके ड्रग ले रहा हो। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो परवेज़ है ना वो जाता है अपनी टैक्सी में, ठीक है, जो उसकी टैक्सी ड्राइवर है ना बेसिकली, ये वो टैक्सी में जाता है ड्राइव करके अपने घर को। लेकिन इसकी कार के अंदर ना ये बेटीना से मिलता है कि इसकी कार के अंदर ना बेटीना नाम की प्रोस्टिट्यूट है जो बैठी हुई है, और ना वो ऑफन ड्राइव करती है परवेज़ के साथ, और जो है ना ये इसकी एक कॉन्फिडेंट फ्रेंड बन चुकी हुई है परवेज़ की। अब देख लें यहाँ से आप सूरत हाल कि इसकी एक कॉन्फिडेंट फ्रेंड भी है, हालांकि परवेज़ एक मैरिड मैन है, इसने एक प्रोस्टिट्यूट रखी हुई है। अब जो है ना जब से परवेज़ ने ना बेटीना को एक क्लाइंट से बचाया था, जो कि क्लाइंट मारने लगा था बेटीना को, तब से दोनों के दरमियान में काफ़ी अच्छी दोस्ती है और दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। परवेज़ जो है ना बेटीना को बताता है कि ना व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व दैट ही सन डज स्ट्रेंज थिंग्स बिकॉज ही इज़ एडिक्टेड,
बटीना उसको कहती है कि तुम जो है ना अपने बेटे को ऑब्जर्व करो और देखो हुआ क्या है, क्या मसला है, और उसके बाद कोई फिजिकली रॉन्ग तो नहीं है कुछ उसके साथ। तो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ देर से उसको ऑब्जर्व किया है और ना ऑब्जर्व करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसके बेटे की जो ना अपेयर्स वो टोटली हेल्दी है, ठीक है, कोई ड्रग वाला मसला नहीं है, बड़ी हेल्दी उसकी ना मतलब लुक है, और सिर्फ जो चेंज आया उसके अंदर, उसकी फ़िज़िकल चेंज आया है कि उसने ना दाढ़ी रख ली है अब, ठीक है। अली जो है ना दाढ़ी बढ़ा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एंड ही सन नॉट सेलिंग हिज आर्टिकल्स, कुछ भी चीज़ सेल नहीं कर रहा वो, ही जस्ट गिव्स देम अवे फॉर फ्री टू अवॉइड दीज आर्टिकल्स। अब क्या होता है, परवेज जो है ना वो नोटिस करता है कि अली जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लग पड़ा एक दिन के अंदर, और उसके बाद जो है ना ये मज़हब से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया हुआ है, और जबकि परवेज़ ने तो उसको कोई मज़हब के रेलिवेंट कोई टीचिंग दी ही नहीं, कोई प्रीचिंग भी की नहीं, तो ये कैसे इतना मज़हबी हो गया है। तो परवेज़ ना सोचता है कि अब जो है ना वो अपने बेटे को डिनर में बुलाएगा और उससे ना गुफ्तगू करेगा कि जो सारा दिन इसके साथ हो रहा है ना ये सारा कुछ उसे डिस्कस करेगा। अली पहले रिफ्यूज़ कर देता है कि वो इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन लेटर जो है ना बाद में वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और डिनर पर जाता है, अपने बाप के पास बैठता है। परवेज़ बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है इस मीटिंग के दौरान, और आर्ग्यू शुरू कर देता है अली से। अली क्रिटिसाइज़ करता है अपने फादर को, कहता है कि आपने अपना वे ऑफ़ लाइफ देखा है, क्यों, क्योंकि ये वे ऑफ़ लाइफ जो है ना अच्छा वे ऑफ़ लाइफ नहीं है, आप वेस्टर्न कल्चर में इतना अडॉप्ट हो चुके हुए हो, आप इतना ज़्यादा घुस चुके हुए इस कल्चर के अंदर कि आपको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, आपको पता ही नहीं है कि इंसान की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। कहते हैं अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू इम्प्लिकेटेड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये अली की लाइन थी जो इसने मेरे फादर को कही थी। कहता है आपने क्या किया, आपने जो होली कुरान है उसके रूल्स को तोड़ दिया है, अल्कोहल पीकर, आप ईटिंग पोर्क, ठीक है, पोर्क खा के। अली एक्सप्लेन करता है अपने फादर को कि ये जो है ना आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, और अली कहता है मैं अपनी स्टडीज़ को भी गिवअप करने लगा हूँ, क्यों, क्योंकि जो है ना ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये वेस्टर्न जो है ना एजुकेशन कल्टीवेट कर रही है एक एंटी रिलीजियस एटीट्यूड, और ऐसा है। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे स्टॉप करी स्टोरी को, अगर आप देखें तो हमारे कोर्स के अंदर कई बुक्स ऐसी होती हैं जो कि एंटी रिलीजियस बुक्स होती हैं, ठीक है, थीके? जैसे कि नायलिज्म की थ्योरी है, और जैसे कि अब्जर्डिज्म की थ्योरी है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे डाडाइज्म की थ्योरी है, ठीक है, ये सब कुछ यही कुछ तो प्रमोट कर रही हैं। बहरहाल तो अली जो है ना इन सब से बड़ा थक चुका है, उकता चुका है, तो कहता है मैं जो हूँ ना इन चीज़ों को ना फर्दर बियर नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ के अंदर, ये अली कह रहा है। और इस टाइम अली को लगता है, सॉरी, परवेज़ को लगता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है, और जो है ना वो अपने बेटे को कहते कि बस तुम अब घर छोड़ के चले जाओ, अब तुम यहाँ पर मजीद नहीं रह सकते। लेकिन बटीना जो है ना वो उसका दिमाग जो है बदल देती है, माइंड चेंज कर देती है, और परवेज़ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन ही सन्स माइंड। अब क्या उस नेक्स्ट डे जो है ना परवेज़ एक्सप्लेन करता है अपने बेटे को कि जो आइडियाज़ तुम्हारी लाइफ की तरफ आए हैं ये अच्छे आइडियाज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है जब बेटा नहीं सुनता इसकी बात, तो फिर जो इसका बाप है ना वो ख़ुद अपने बेटे को खुश करने के लिए ना अपने चेहरे पर एक दाढ़ी रख लेता है, ठीक है। जब वो दाढ़ी रखते हैं ना तो अली फिर अपने बाप को यही कहता है कि आप जो है ना होली कुरान के रूल्स को ही तोड़ रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप शराब पीते हैं, आप जो है ना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, परवेज़ जो है ड्राइविंग कर रहा होता है अपनी टैक्सी में, साथ में इसके बटीना भी होती है, और ना वो रोड पर देखते हैं कि ना ये अली जो है ना ये वॉक कर रहा होता है रोड पर देखते हैं। फिर क्या कहता है उसका फादर जो है ना वो अली को कहता है कि आ जाओ तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है। अब अली जो है वो भी कार में आ जाता है। अब जब कार में बैठते हैं ना बटीना जो है वो अली से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही वो अली को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है ना कि इसका फादर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, अली बड़ा गुस्से में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब नाराज़ भी होता है बटीना से। जब अली बटीना से नाराज़ होता है ना इसके बाद अली ना कार को छोड़ना चाहता है, और जो बटीना है ना वो उसको रोकती है कि तुम ना आ जाओ बैठो भी, और लेकिन बाद में बटीना को गुस्सा आता है और वो खुद भी गाड़ी छोड़ देती है। और क्या होता है, जब वो घर आते हैं परवेज़ ने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है, और वो अल्कोहल पी कर बहुत ज़्यादा गुस्से में आया होता है, और जब वो गुस्से में आया होता है तो
अपने बेटे के कमरे में जाता है और अपने बेटे को उठाता है और अपने बेटे को इतना मारता है, इतना मारता है, बहुत ज़्यादा ना मारता है उसको। लेकिन उसका बेटा कोई भी आगे से रिएक्शन नहीं दिखाता, ना खुद को प्रोटेक्ट करता है, ना खुद को डिफेंड करता है। और जैसे ही परवेज़ मारने से रुक जाता है ना, तब वो अपने बाप से पूछता है, हु इज़ द फनेटिक नाउ? क्या बाप बताएं कौन है ज़्यादा इंतहा पसंद? यहाँ पे जो स्टोरी है ना एंड हो जाती है। अगर हम बात करें थीम्स की, तो इसके अंदर थीम आइडेंटिटी का आ जाता है, रिलीजन का आ जाता है, रिस्पेक्ट का आ जाता है, इंटीग्रेशन का आ जाता है और फादर सन रिलेशनशिप का आ जाता है। और जितने भी थीम बताए गए हैं, ये ऐसी स्ट्रगल है जो ये फेस करें न्यू सोसाइटी के अंदर। और यहाँ पे शार्प कंट्रास्ट है परवेज़ और अली के अंदर, क्योंकि दोनों सोसाइटी से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों की बिलोंगिंग्स और दोनों की जो हैं व्यूज़ वो डिफरेंट हैं। और ये समरी सुनने के बाद आप बताएं कौन फनेटिक था, सन था या फादर था? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।